नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुक्सी सिविल अस्पताल में सुसारी के पिता पुत्र द्वारा डॉक्टर और नर्सों के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ गाली गलौज की गई है। वहीं बीएमओ डॉक्टर रावत द्वारा पिता पुत्रों को जबरदस्ती बाहर करके उनके विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पिता विजय मुलेवा के शराब के नशे में होने की बात कही जा रही है। विजय मुलेवा सुसारी का निवासी था, जो कि आया था हॉस्पिटल में और पूरे शराब के नशे में धुत था। उसके साथ उसके दोनों लड़के भी था, एक भिंगू मुलेवा और पवन मुलेवा। ये आए हॉस्पिटल में, डॉक्टरों से बदतमीजी करी, सिस्टर को गाली गलौज कर रहे थे। उसी वक्त मैं भी राउंड पे था, तो मैं पहुंचा तो मैंने भी समझाने की कोशिश करी, परंतु ये एग्रेसिव होके चीज़ें उठा उठा के, कागज़ उठा उठा के फेंकने लगा, जिसके कारण मैंने इन्हें हाथ पकड़ के हॉस्पिटल के बाहर किया और तुरंत एफआईआर करवाई गई। देखिए, करीब 12:30-1 बजे के आसपास बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत थाने में उपस्थित आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब 12 बजे विजय मुलेवा, पिंकू मुलेवा और पवन मुलेवा, तीनों निवासी ये सुसारी के हैं और अचानक ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं और बिना किसी कारण के वो गाली गलौज करके और स्वास्थ्य कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मारपीट करने की वो की गई है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और उसी रिपोर्ट पे हमने 353, 186 और 243, 506 के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचन लिया गया है। धार कुक्सी से फिरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।